केराना विधानसभा क्षेत्र के गांव भूरा में एक वोट डालने को लेकर हुआ विवाद में पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने भाजपाइयों को लाठी से मार मार कर दौड़ा दिया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर पथराव हुआ। इस मामले में ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट की, उनके घर में रखी चारपाई पर सामान तोड़ दिया और महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने 5 राउंड फायरिंग भी किए। भाजपा नेता अनिल चौहान ने आरोप लगाया है कि एक अधिकारी वोट डालने को लेकर काफी दिक्कत कर रहा था, जिसके साथ कुछ कार्यकर्ताओं की बहस हो गई, लेकिन पुलिस ने जबरन भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा और 5 राउंड फायरिंग की। इस मामले को लेकर गांव में भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। इस घटना के बाद करीब 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा, लेकिन उसे पुनः चालू करा दिया गया। कुछ नहीं है, मैं तो यहीं बैठा था। फिर क्या हुआ? वो कहीं वोट के रहता हूँ, फिर क्या हुआ जी? आपके लाठी जा चुकी है। हमने तो यहीं बैठा था। गोली भी चली? हाँ, फायरिंग हुई। ये आपका घेर है क्या यहाँ पे? हाँ, थोड़ी है सारी से। अच्छा जी, पंडाल बैठा था यहीं, और बैठे थे नहीं, वो अत्तु लट बजा दिया। हेलो, अधिकारी एक यहाँ गड़बड़ कर रहा था, वोट नहीं गिरने दे रहा था। उसे समझाने के लिए वहाँ थोड़ी कहासुनी हुई, अधिकारी ने फोन करा, फोर्स आई, लोग अपने घरों में बैठे थे, पुलिस ने आने के घरों में ना जाए तोड़फोड़ करी और जबरदस्ती उन पर लट बजाया। कितनी गोली चलाई? महिलाओं के बदतमीजी सूचना है क्या? 5 राउंड गोली चली और महिलाओं के साथ भी बदतमीजी, घरों में घुस घुस कर करी। फुरकान जंग की रिपोर्ट।